जो दुख भरे वचन है, ये जो विलाप वाले वचन है, ये जो बहुत कष्ट वाले वचन है जो एज़ेकियेल पढ़ रहा है, ये यरूशलम के लिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में जिस पुस्तक का वर्णन है, ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जो है इसका वर्णन दिया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के तीसरे खंड के बारे में, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक। जी हाँ, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में है। इसके बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 5:1-14 तक आप पढ़ सकते हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 4:9-11 तक के विषय में। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 5:1-5 तक के विषय में। हम यहां पर जो है एक एक पद को जरा बड़े ध्यान पूर्वक जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 5 उसके पहले पद को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। यहां पर जो है परमेश्वर का संदेश जो है, देखिए पिछले संदेश में हम इस बात को देख चुके हैं और सुन चुके हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा है वहां पर बात मेमने की हो रही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। और उसके जो प्रभु यीशु मसीह है, जो मोहरबंद पुस्तक है, वो जो है उसके हाथ में है। अब ये मोहरबंद पुस्तक है, उसके दाहिने हाथ में जो है वो है, परंतु इस पुस्तक में क्या है, भीतर बाहर कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इस मोहरबंद पुस्तक जो है, ये मोहरबंद पुस्तक जो है मोहरबंद की गई है, परंतु जब तक इसकी मोहर खुलेगी नहीं तब तक आप चाहे भीतर बाहर लिखी हुई है, कुछ भी कितना भी लिखा है, आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। एज़ेकियेल जो है वो भी इस बारे में बात करता है। और एज़ेकियेल क्या कहता है, देखिए ये पुस्तक 7 मोहर लगाकर बंद की गई है। और एज़ेकियेल क्या कहता है, परंतु जब हम एज़ेकियेल 2:9-10 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वे दोनों ओर लिखी हुई थी और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। अब बड़ा ध्यान देने की बात है यहां पर, यानी यहां पर जो है एज़ेकियेल को जो पुस्तक दी गई है, अब एक पुस्तक जो है स्वर्ग से एक हाथ बढ़ाकर वो देख रहा है, दिया गया है और वो पुस्तक उसके सामने फैलाकर जो है वो रख दी गई है और वो खोली गई है और वो उसमें जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है एज़ेकियेल, उसमें विलाप शोक और दुख भरे वचन जो है वो लिखे हुए हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझने की बात है, अब ये दोनों पुस्तकों का जो वर्णन है वो बिल्कुल अलग अलग है। अक्सर जो है इंसानों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये जो पुस्तक है जो एज़ेकियेल को दी गई, ये वही पुस्तक है जो यूहन्ना ने देखी, क्योंकि यहां पर जो प्रकाशित वाक्य 5 में जब यूहन्ना की पुस्तक के बारे में आप बात करेंगे तो यहां पर इस पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। यहां पर जो है वो लिखी तो दोनों ओर गई है परंतु कोई पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि मोहर बंद की गई है और जब तक वो मोहर नहीं खुलेंगी तब तक आप उसकी डिटेल को पढ़ नहीं सकते हैं, उसकी डिटेल जो है वो नहीं खुलेगी। 7 मोहर बंद पुस्तक, 7 मोहरों से जो है उस पुस्तक को बंद की गई, हर एक मोहर खुलने पर जो है उस पुस्तक का एक लेख, एक वर्णन जो है वो आपको दिखाई देगा। परंतु जो एज़ेकियेल को दी गई है उसके अंदर लगता है कि वो मोहरबंद पुस्तक नहीं है और इसलिए जो एज़ेकियेल पढ़ रहा है वो विलाप दुख और दुख भरे वचन जो है जो उसमें लिखे हुए हैं वो पढ़ रहा है। ये जो दुख भरे वचन है, ये जो विलाप वाले वचन है, ये जो बहुत कष्ट वाले वचन है जो एज़ेकियेल पढ़ रहा है, ये यरूशलम के लिए है। जी हाँ,
ये यरूशलम के लिए है और यरूशलम के ऊपर कैसे दुख, कैसे विपत्ति, कैसे कष्ट आने वाले हैं, ये उसके बारे में वर्णन है। परंतु यहां पर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में जिस पुस्तक का वर्णन है, ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जो है इसका वर्णन दिया जा रहा है। ये फर्क है, इस फर्क को जो है ये समझने की बात है और इसको समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो परमेश्वर का वचन कहता है। फिर इसका 2 से 4 पद तक जो है हम इसका जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहां पर 2 पद में लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। अब यहां समझने वाली बात है, अब जो मोहर बंद पुस्तक है, अब उसकी मोहर को कौन खोलेगा। अब मान लीजिए हमारी भारत सरकार ने किसी कंपनी पर, किसी स्कूल पर या किसी बिल्डिंग पर उसको सील बंद कर दिया हो, यानी मोहर लगा दी गई हो, उसको सील कर दिया गया हो, तो उसको खोलने की फिर उसके मालिक को की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी कंपनी को या अपने स्कूल को या अपनी बिल्डिंग को खोल ले, खोल नहीं सकता है फिर वो, क्योंकि सरकार की मोहर लग चुकी है और वो सरकार की प्रॉपर्टी के हो गई है और सरकार की नजरों में वो जो है आ चुकी है और वो उस पर जो है सरकार का अधिकार हो चुका है और इसलिए उसकी मोहर को कोई खोल नहीं सकता है। और यदि उसने खोला तो वो दंडनीय जो है अपराध माना जाएगा और उसको जो है कई साल की जेल भी हो सकती है। यहां पर जो है, यहां पर यही पुस्तक है जो मोहरबंद पुस्तक है और जो एक शक्तिशाली स्वर्गदूत है, जो बलवंत स्वर्गदूत है, वो इस बात का प्रचार करता है कि इस पुस्तक की मोहर को खोलने के योग्य कौन है, कौन खोल सकता है इस पुस्तक की मोहर को। अब यहां पर जो है खोलने वाली बात है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब एक सवाल उसने छोड़ दिया कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, कौन उसकी मोहर को तोड़ सकता है। भैया सरकार की मोहर सरकार ही तोड़ेगी, अगर सरकार ने लगाई है, सरकार ने सील बंद करा है तो उस सील को सरकार ही तोड़ेगी। अब इस मोहर बंद पुस्तक को जो है वो स्वर्गदूत लिए फिर रहा है, है? कि इसकी मोहर को, मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। अब 3रा पद, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। अब ध्यान दीजिएगा, 3 जगह स्वर्गदूत ने इस बात को पुकारा उसने कि कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। फिर जब स्वर्ग में उसे कोई ना मिला तो वो पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर जब उसने ये प्रचार करा कि कौन इसको खोलने के योग है तो पृथ्वी पर भी कोई खोलने की योग ना मिला। फिर वो अधोलोक में गया, अधोलोक में भी कोई खोलने की योग ना मिला। मगर स्वर्ग में तो एक था, मगर वो उसने अपने आप को उस समय साइलेंट कर रखा था, बोला नहीं था कि उसके अलावा, यानी जो स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत लोग होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं या पवित्र लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है कि स्वर्ग में क्या कोई स्वर्गदूत या जो पवित्र लोग रहते हैं उन पवित्र लोगों में से कोई खोलने के योग्य है या नहीं। यहां परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की या पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। मगर जब वो पृथ्वी पर आया तो देखा कि कोई मनुष्यों के बीच में इस योग हो, मनुष्यों के बीच में भी नहीं मिला, वो अधोलोक में गया, अधोलोक में भी कोई इस योग जब ना मिला तब क्या हुआ। अब यूहन्ना जो है वो देखता है क्या लिखा है, 4 पद, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग कोई ना मिला। देखिए खोलने की तो बात बहुत दूर की है, उस पुस्तक को खोलने की, उसको उसकी मोहरों को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पुस्तक पर दृष्टि डालने योग्य कोई ना मिला। अब यह बड़ी वैसी बात है कि उस पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य जो है वो कोई ना मिला। और यूहन्ना जो था फूट फूट कर रोने लगा। अब यूहन्ना के रोने का कारण क्या था, यूहन्ना का जो रोने का कारण था वो उस पुस्तक के भेद को जानना चाहता था, उस पुस्तक के भेद को समझना चाहता था कि मैं कैसे समझूंगा प्रभु कौन है,
जो इस पुस्तक को खोल देगा, अगर प्रभु उसी समय आकर खोल देता तो ये होता कि उस पुस्तक का महत्व खत्म हो जाता। वो कहता है प्रभु ने खोला, क्या पता भाई स्वर्ग के अंदर कोई और भी लोग खोल सकते थे, या पृथ्वी पर कोई खोल सकता था, या अधलोक पे कोई और खोल सकता था। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि जा सब जगह इस पुस्तक के खोलने की चर्चा कर। जब सब जगह चर्चा हो गई तो वो लिखा है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि स्वर्गदूत क्या कहता है कि प्रभु इस पुस्तक के खोलने की बात तो अलग है, इस पुस्तक पे दृष्टि डालने योग्य कोई ना मिला। देखिए कितनी तेजोमय बात थी उसके अंदर। और वो जो था, यूहन्ना जो था, वो इस भेद को, इस पुस्तक के भेद को जानना चाहता था कि भविष्य में होने वाली घटनाएं क्या हैं। और परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि जब हम पांचवां पद पढ़ते हैं, पांचवें पद में क्या लिखा हुआ है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वे सिंह जो दाऊद का मूल्य है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब यहां पर जो है बात क्या है, जो 24 प्राचीन है, जो 24 सिंहासन जो है उसके सिंहासन के चारों तरफ लगे हुए हैं, उनमें से एक ने यूहन्ना से कहा। अब क्या कहा, देखिए वो कहता है मत रो, क्यों रो रहा है तू, बिल्कुल मत रो, क्यों परेशान होता है, टेंशन मत ले, चिंता मत कर, क्योंकि इस पुस्तक की मुहर को खोलने के योग जो है एक जयवंत हुआ है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहूदा के गोत्र का वो सिंह, देखिए हमने पिछले संदेश में भी इस बात की चर्चा करी, यहोवा के गोत्र का वो सिंह, अर्थात जब आप 49 उत्पत्ति 49 अध्याय पढ़ेंगे 8 से 12 तक, तो वहां यहूदा के गोत्र के सिंह की बात की गई है। और वहां पर उत्पत्ति 49 अध्याय में याकूब जो है अपने 12 बेटों के विषय में भविष्यवाणी करता है, और जब यहूदा के गोत्र के विषय में भविष्यवाणी करता है तब वो कहता है यहूदा के गोत्र का वो सी जो है उसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि यहूदा जो है वो उस सी का बच्चा कहा गया है, अर्थात यीशु मसीह का जो है वो उसको बच्चा कहा गया है। और वो जो है यहूदा के गोत्र का सी, यानी यीशु मसीह जो पैदा हुआ है यहूदा के गोत्र में से पैदा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि यहूदा के गोत्र से ज्यादातर राजा पैदा होते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा है जिनके आगे 24 प्राचीनों ने अपना जो मुकुट है वो डाल दिया है, क्योंकि वो जो है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है मीका 5:2 में कि वो यहूदा के गोत्र से पैदा होगा। बिल्कुल ये यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से जो है वह निकल कर आया। यशायाह 11:1 जब आप पढ़ेंगे, लिखा ना यहां पर कि वो दाऊद का मूल पुरुष है, यहां लिखा दाऊद का मूल पुरुष, तब यशायाह 11:1 पढ़ेंगे, तब ईशे के ठुन में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। इसी का 10वां पद है, उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगा, तब राज राज के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। ये जो भविष्यवाणी है कि वो दाऊद का मूल पुरुष है, यानी दाऊद के मूल पुरुष, यानी दाऊद का आधार वो जो है प्रभु यीशु मसीह है, तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है भविष्यवाणी की गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए वो यूहन्ना से कहता है कि मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का वो सी जो है इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग जो है वो यहूदा के गोत्र का सी है, और वो जयवंत हुआ है, इसकी मोहरों को तोड़ने के योग हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा कि इसके अंदर जो है किस तरीके से यूहन्ना उस पुस्तक के बारे में जानना चाहता है, उसकी मोहर तोड़ने के योग कौन है, और प्रभु यीशु मसीह वहां अपने आप को प्रकट करता है। वो प्राचीन जो है वो गवाही देते हैं कि ये जो मेमना सिंहासन पर बैठा है ये इस पुस्तक की मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, और ये तोड़कर उसके भेदों को हम पर प्रकट करेगा, और हम जानेंगे कि आने वाली घटनाएं जो हैं क्या हैं और किस बात की ओर इशारा करती हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।